तेलंगाना के वजीर आला के सिया ने काबिनी इजलास की रौदात पेश करते हुए वाज़ किया है कि तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन में तौसी की गई है। मरकज की जानिब से लॉकडाउन में दी जाने वाली राहत का इतलाक तेलंगाना में होगा। तेलंगाना के दौरे पर आए हुए तमाम गैर मुल्की सयाह सेहत याब हो चुके हैं। सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई सख्त फैसला किया गया है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में लॉकडाउन में तौसी को जरूरी बताया गया है। तेलंगाना भर में कर्फ्यू जोंकी तो बरकरार रहेगी। 5 मई को फिर एक बार काबिनी इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम की लड़ाई में हम शिकस्त से दो चार होना नहीं चाहते। कंटोनमेंट इलाकों की आवाम घरों से बाहर ना निकले। 7 मई तक तेलंगाना में हवाई जहाजों के सफर पर पाबंदी आयद की गई है। इसीलिए कोई भी तेलंगाना का सफर ना करे। तेलंगाना में स्विगी और जोमैटो सर्विसेज मनसूख करने का फैसला किया गया। इसलिए अवाम होटलों से गजा ना मंगवाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी मजहब के पैरोकारों को इबादत गाहों में इबादत करने की हरगिज इजाजत नहीं है। तमाम मजाहिब के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लॉकडाउन में अवाम का ताउन नाकाबिल फरामोश। साफ सफाई के कामों में ग्राम पंचायतों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। दिल्ली में पिज्जा हट के जरिए 69 अफराद कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। रियासत में कोई भी शख्स भूखा ना सोए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50%, अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में 75% कटौती की जाएगी और पिछले माह की तरह इस माह भी तनख्वाहों में कटौती का सिलसिला जारी रहेगा। सेहत और पुलिस अमले को 10% इजाफी तनख्वाहें दी जाएंगी। महकमे बरखी में बरसर खिदमात मुलाजमीन को 100% तनख्वाहें फराहम की जाएंगी। मार्च अप्रैल और मई 3 माह के किरायाजात उसूल ना करने मकान मालिकीन को वज़ीर आला KCR की हिदायत है। मकान मालिकीन किरायेदारों को किराया के लिए दबाव डालने पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू होने का किरायेदारों को मशवरा दिया गया है। खानगी तालीमी इदारे फीस की अदायगी के लिए औलियाए तलबा को मजबूर करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। हालात मामूल पर लौटने के बाद फीस उसूल करने का मशवरा दिया है। सफेद राशन कार्ड दहिंदों को फी कस 12 किलो चावल और 1500 रुपए तकसीम करने का हुक्म दिया है। बैंकों में जमाशुदा नकद रकम 1500 रुपए को लेकर अवाम परेशान ना हो, क्योंकि एक मरतबा जमा करदा रकम वापस नहीं ली जाएगी। रियासत में 40 लाख मुस्तहकीन को जों का तों आसरा पेंशन दिया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के इकदाम में डॉक्टर्स का रोल काबिले सताइश है। गच्चीबौली स्टेडियम में 540 कमरे वाली इमारत समेत इससे मुतसिल अराजी महकमे आरोग्याश्री के हवाले की गई है, जिसको कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉर्पोरेट अस्पतालों की तर्ज पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तेलंगाना में स्पोर्ट्स पॉलिसी पर अमल आवारी पर काबिनी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। मुल्कगीर सतह पर शोबे ज़राअत को अवलिन तरजीह देने वाली तेलंगाना एक वाहिद रियासत है। किसानों की जानिब से उगाई जाने वाली फसल 100% खरीदी जाएगी। रियासत भर में धान की खरीदी का अमल कामयाबी के साथ जारी है। आइंदा मौसम बारिश में आबी प्रोजेक्ट्स और बोरवेल समेत इम्कानी बारिश के जरिए 1,30,00,000 एकड़ अराजी पर काश्तकारी की जाएगी। मौसम में बारिश में खेती बाड़ी के लिए तैयार रहने वाले किसानों को मई में यूरिया और पेस्टिसाइड्स की खरीदी करने का मशवरा दिया है। खाद के जखीरे के लिए तमाम फंक्शन हॉल को आरजी गोदामों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। 7 मई तक शादी और दीगर तकारीब के इनेकाद पर इम्तना आयद किया गया है। अवाम ईद व त्यौहार का घरों में ही अहतमाम करें। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आबारी को यकीनी बनाने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। रियासत भर में अब तक तकरीबन 50,000 गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। बिला वजह घरों से बाहर ना आएं, क्योंकि वबा शिद्दत के साथ फैल रही है और कौन मरीज है इसकी शनाख्त करना मुश्किल हो चुका है। इसलिए अवाम घरों में रहने को तरजीह दें। जोमैटो और स्विगी पर पाबंदी लगाने से हुकूमत की टैक्स की आमदनी पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। हवाई सफर करने वाले मुसाफरीन से हैदराबाद के दौरे से परहेज करने की भी फिर एक बार वज़ीर आला KCR ने ख्वाहिश की है।